हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज सारे दिन से मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। मैं बनाती लेकिन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आज स्पेशल मेहमान, स्पेशल गेस्ट आने वाला है हमारे घर पे। आपको बताऊँ या सरप्राइज रखूँ? लो चलो रे, आप तो मेरी फैमिली हो, आपसे क्या सरप्राइज रखूँगी। आपको बता देती हूँ, आपको बता रही थी ना मैं कि मेरा एक देवर जी है, मेरी भुआ सास का लड़का जो आने वाला है हमारे पास, तो वो आज आने वाला है। और मस्त राम जी अभी जॉब से घर नहीं आए, उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं आ रहा हूँ ना, तो वो उधर आ गए, तो उनको लेते हुए आएंगे। तो अभी मस्त राम जी घर नहीं आए और उसको लेके आ रहे हैं घर पे। तो फ्रेंड्स बने रहिए व्लॉग में लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, वो हमारे लिए क्या क्या लाता है, उसका क्या एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि 3 साल बाद उनके भैया से मिलेंगे, मेरे से मिलेंगे, मेरे को पहली बार देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें देखने के लिए आपको व्लॉग में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हाँ लास्ट तक बने रहना। फ्रेंड्स आ गए मस्त राम जी, मेहमान साहब मुँह छिपा रखे लेकिन बोलो तो सही कुछ तो। शर्म आती है इसको? इतनी भी क्या शर्म आती है, इतनी तो हमारे देवेंद्र जी को नहीं आई। देखो देव जी यार, दे यार बड़ा हो गया अंकिता, अंकिता से बड़ा हो गया थे। देखो जबकि मैं सुबह बड़ा था, फिर भैया जैसे आज मुझ को ना प्यार करूं मैं देवराम से, सही तो इनसे भी मैं तो पहली दफा पहली बार मिली फेस टू फेस। हाँ वैसे अंकिता के सब चरण स्पर्श कर दे, अंकिता से काफी बड़े हैं सब। हाँ देखो तो सही, आओ जी देवेंद्र जी, आप भी देवेंद्र जी छिप रहे हैं अनुसार। हाँ ये देखो देवेंद्र जी, देखे अगर तुम उठे। ये कटिंग कहाँ करवाई थी तूने? ये हाँ ये तो वो मतलब किसने ही नहीं किया था। हाँ बताओ, ईमानदार से बताने। ये सोच रहा होगा कि मैंने घर तो लेट जा लोटी लाए। हाँ तो सामान ले रहा है, फटाफट चेक करूंगा भाई क्या क्या ले रहा है। तो गाइस आप ब्लॉग में बने रहो, घर से बताने लड्डू भी आए बताए, तो माँ के हाथ के लड्डू खा के बड़े मजा आएगा। तो आपको सब बताएंगे, बताने क्या क्या सामान लेके आया बोरे बिस्तरों में, तो आप बने रहो ब्लॉग में। तो गाइस अंकिता सामान निकाल रही है, और जो मेरे माँ के हाथ के लड्डू आए थे पता ही नहीं चला, मैं तो थोड़ा इधर उधर हुआ क्या हुआ, और पूरे लड्डुओं को मेट दिया इन्होंने, दोनों राक्षसों ने और इसने। और क्या क्या लेके आई मम्मी? देखो ये लड्डू लेके आया गाइस, तो इन्होंने जो खाया वो खाया, अब नहीं खाएंगे क्योंकि अब खाना खाएंगे तब खाएंगे। मैं तो मम्मी का लड्डू खाने के लिए तरस रहा हूँ भाई। तो बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बुआ ने बहुत प्यार से, इसकी मदर ने लड्डू भेजे लड्डू। ये कटिंग कहाँ करवाई थी तूने? सागर पॉप लग रहा है तू। सागर पॉप का छोटा भाई, सागर पॉप ही जियो। मैं सही में कहा जी, जब मुताल बाल मना चैन लग गया तो सागर पॉप के डायलॉग भी बनाओ का तेरा इंस्टाग्राम। तू इंस्टाग्राम चलाता है क्या? ये इंस्टाग्राम पे रील पसीना की छूट रहे तेरे गाइस, इसके पसीने की छूट रहे। तो बताना मम्मी क्या क्या भेजी है। बहुत ही सुंदर सामान दिख रहे हैं हमारे को, पता नहीं क्या क्या घर से आए। किससे शुरुआत करूँ, किस पे खत्म करूँ ये सोच रही हूँ। सबसे पहले तो केरी का अचार, नहीं पहले घी, सबसे पहले घी आया है, फिर इधर आया है केरी का अचार, फिर दलिया आया है, दलिया मेरे को पसंद है। और ये चीज ऐसी आई है, स्पेशल चीज है ये गाइस। हंसी आएगी। हाँ निकाल के बता, मतलब यूज ना करो पर गांव वाले फीलिंग, मतलब हमारी मिट्टी को हम पसंद करते हैं बहुत ज्यादा, तो हमारी मिट्टी से हमारा लगाव है। तो निकालो कृपया निकालो, ये ऐसी मिट्टी है जिसमें साबुन की जरूरत नहीं पड़ती है नहाने के लिए, ये ब्लैक मिट्टी जो माँ क्या साबुन यूज नहीं करते थे। ठीक है, तुमने किया कभी? तुमने तो देखे नहीं होंगे, ऐसे दिन हमने देखे थे। नहीं तूने नहीं देखी, नहीं लगाई हुई है। तो हमारे एक गोरकी नाम का कोई एक तालाब है जिस तालाब में काली मिट्टी निकलती है। ठीक है, हाँ था गाड़ी कौन निकल, मैं गाड़ी निकला जो ना, तो वहाँ से निकलती थी तो जाते थे और ऐसे हाथ गोपोड़ के गिली मिट्टी में और माथे में पूरा शरीर को लथपथ करके उसी मिट्टी से ना के आते थे, मस्त हो जाता था एकदम माहौल, पर थोड़े कलर भेंस जैसा हो जाता था। गाइस पानसी, पानसी का क्या करते हैं? मतलब ये मतलब सर्दियों में जो रहती है ना मेथी, उसको सुखा के रख देते, फिर गर्मी में अपनी इच्छा हो ना तो बना लेते। मेथी जैसी लगती होगी। हाँ तो हरी सब्जी आ गई है और दाल भी आ गई है गाइस, इसमें भी स्पेशल ही है। क्या है बता? बता दे, बता बता तो सही। ये तो सचमुच, क्या सचमुच 3 साल हो गए। क्या है बता मेरे को, बता क्या है? बानी। तो गाइस बानी नहीं है वो, बाबा की बबूत है वो। बबूत तो नहीं है फिर? बाबा की बबूत तो अलग से। तो ये अत्री बानी की खनाई जा क्यों? बाबा का दीपक साफ कर रही। हाँ गाइज गाइज, भगवान जी के दीपक को साफ करने के लिए हमारे पास बाने नहीं थी ना, तो अंकिता ने भगवान जी की पूजा करने के लिए बाने भी मंगवाई है। मैंने सोचा खाने के लिए मंगवाई है क्या? और स्पेशल दाल, गांव की चने की दाल आई है गाइज।
मतलब जो भी चीज आई है ना गाइस, हमारे हमारे बुआ ने जो भी चीज़ें भेजी है ना घर से, क्योंकि माँ बराबर है बुआ, तो बुआ ने जो भी चीज़ें भेजी ना मान ली, वो स्पेशल है, एक एक चीज को है ना दिल से खाएंगे हम। अभी तो मेरे को गिफ्ट मिले हैं ना, उनको ऐसे पोछ पोछ के रखती हूँ, मिट्टी भी नहीं लगने देती जो भी मेरे लिए, मतलब हमारे लिए जो बर्थडे में गिफ्ट आए थे उनको भी मिट्टी नहीं लगने देती है। और अभी तो और सामान निकालना बाकी, तेरे कपड़े भी तो आए थे ना, और चने भी आया गाइस, ये गांव में होड़ा खेल चुकी है, होड़ा होड़ा आया, सिक्के वाला होड़ा आया गाइस, और बहुत सारे सामान बच रहे हैं जो फिर वो बाद में बताएंगे आपको, पहले परिचय करवा देता हूँ। इधर ये मेरी बड़ी बुआ का लड़का है देविंदर, और ये मेरी छोटी बुआ का लड़का है आकाश गुजर झालरा, ये मेरी छोटी बुआ का लड़का है, ये मेरी बड़ी बुआ का लड़का है, दोनों बहुत बढ़िया है। ये थोड़ा पढ़ने में इंटेलिजेंट है, ये इससे भी बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट की स्पेलिंग बोल जो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? बोलो बोलो सी। देखो गाइस, चोर को देखो गाइस, चोर किसी का इंतजार नहीं कर रहा है, ऐसे चोर चोर पता नहीं कहाँ बैठे रहते हैं, ये किसी के लिए पूछते भी नहीं है, तीनों लड्डों को मेरे को ऐसा लग रहा है खत्म करने वाली है, हम ऐसे रह जाएंगे। हाँ आपने खा लिया ना पहले? कब खा लिया, मैंने तो छका भी नहीं। हाँ नहीं छका, हाँ नहीं छका, छह लड्डू नहीं सात लड्डू थे, चारों को तूने खा के, तुम तीनों ने मिलके खाए, तुम तो चोर हो। आकाश तो सुना गाँव का हाल चाल? बढ़िया, सब बढ़िया है गाँव में, कैसे सब? बुआ बढ़िया है, मोनिका बढ़िया, और देवेंद्र हमारे घर में दिया बत्ती कर रहा है, ये हमारे लिए लक्की है देवेंद्र, सुधर देना कुछ और जी मगर, बस फटबाम थोड़ा कमजोर से, फटबाम थोड़ा कमजोर से, इंटेलिजेंट की स्पेलिंग बता। नहीं तू बता, तू बता, मैं बताऊं? इंटेलिजेंट की स्पेलिंग, इंटेलिजेंट, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, इंटेलिजेंट 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 की मीनिंग तो बताओ, साइकोलॉजी की बता चल, कोई नहीं कटेगा ये, जो भी वीडियो बनना है नहीं कटेगा। कल इन दोनों से अंकिता से रिश्ते मेमोरी की स्प्रिंग पूछा था मैंने, दोनों को मेमोरी की स्प्रिंग नहीं आती, दोनों को सही आए, फिर मैंने बोला कि ये नहीं है, तो दोनों ने चेंज कर दी। गाइस दोनों भाई लग गए पूरी बेलने में, बेल दो फटाफट फटाफट, आज पूरी बना रहे गाइस, और अंकिता दो रही है बर्तन, अंकिता हाँ तो काई बना रही खाने में, आज आज उन्होंने बोला है, मतलब मैंने बोला था दाल बाटी बनाओ, मतलब क्या बनाओ आपके लिए स्पेशल, आप जो भी बोलो बनाओ, उन्होंने बोला कि हमारे लिए पूड़ी और दाल बना दो। हाँ तो पूड़ी बोला था, अब देखो आज पता है क्या क्या होगा, अभी बाटी बनाती है ना तो अच्छी रहती, पर बाटी भी परसों खाई थी, उन्होंने बोला बाटी परसों खाए थे, क्योंकि नहीं तो चूरमा बाटी और दाल में मजा आता, लेकिन पूड़ी दाल चूरमा कुछ आज अलग खाएंगे नहीं। तो गाइस हमारे बन रही है गर्मा गर्म पूड़ी, और इधर बन रही है दाल, अंकिता जी बना रही है, और अंकिता की हेल्प कर रहा है आकाश, देवेंद्र भी हेल्प करवा रहा है, देवेंद्र ने भगवान जी की पूजा तो कर दी है, अब साथ में खाना वाना खाएंगे। पूड़ी देखो कितनी स्पेशल है, एक एक घास की पूड़ी, एक एक घास की तो है जो है, पर इनका मतलब वातावरण ही अलग ही आ रहा है, चेंज कर दिया तूने, लुक चेंज कर दिया। अंकिता हाँ तो बहुत खुश दिख रही है, तू क्या बात है, बहुत खुश हूँ मैं, अभी नहीं जाने देंगे इनको, याद करते नहीं करते तेरे गाँव के लोग, करते है ना, क्या बोलते सही में याद करते हैं, सच बता सही बोल, सब जानते हैं ना मुझे झालरा में, क्या बोलते हैं मामा के, कब गया था आकाश? एक महीना हो गया आपको मिस करते, मम्मी पापा सच में, अब कब जा रहा है मामा के? वापिस जाऊंगा जब, पक्का ठीक है, जरूर चलेंगे आपकी बात, तेरे साथ ही जाऊंगा। अंकिता जरूर, कहाँ पे, कहाँ पे? मामा के और हमारे काम का बुंदन जाल रहा चलो ठीक है, बना दो पूरी और खाते हैं, फटाफट भूख लग रही है यार, हमारे लिए
बाटी और चूरमा लेके आए थे ना, तो चूरमा तो लेके आ गए, लेकिन बाटी का क्या सिस्टम किया, इनको भूख लगी होगी रास्ते में, तो बस में बैठ के खा लिया। और जो चार पांच बाटी बची थी ना, उन चार पांच बाटी को वहाँ पे वीडियो कॉलिंग में दिखाया कि ये बाटी कहाँ थी, यही पे कर रहे, कोई आएगा ना तो खा लेगा, लटका के आ गया बस के। तो गाइस इतनी सारी पूड़ियां किसके लिए निकाल दी अंकिता, और खाने वाले भी चार है नया, इसलिए निकाल दिया। अच्छा ये अकेला ही नहीं बैठ देगा, कौन कौन किसकी तरफ इशारा हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, कौन है ये जंगली जानवर है, ऐसा है क्या। तो गाइस लड्डू भी आ गया, पूरी भी आ गई, दाल की सब्जी और छाछ, आज तो मजा आएगा भाई खाने में। अंकिता मौज कर दिया आज तो तूने, लड्डू टेस्ट करके बता कैसा लग रहा है। टेस्ट कर कर के मेरी पूरी खत्म कर दे, ये मत बोलो कि टेस्ट कर, टेस्ट चुप नहीं भाई, बोला दो रही है, कैसा है बता। अंकिता मेरे को स्वाद जिसको बता नहीं सकते, शब्दों से बयान नहीं कर सकते, इतना मजेदार सच में। चल मेरे को खाने दे थोड़ा, कैसा लगा। आप सबका हो गाइस, आप सबका हो चूरमा, हमारी बुआ ने बनाएंगे भेजा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बुआ के हाथों में भी मम्मी का ही प्यार है, क्योंकि सभी एक ही है ना, बुआ भेजे मम्मी भेजे कोई भेजे, और मुझे नींद भी आ रही खाते समय, इसलिए मैं सो भी रहा हूँ और खा भी रहा हूँ। सो गए थे भी तो उठाए वापस, थक जाता हूँ भाई साहब, सारे दिन के लिए कुछ काम ही नहीं थे, बड़े बड़े मजे लेते हैं हम तो सारे दिन पड़े रहते, खा लेते, उठ लेते, सो लेते और फिर ब्लॉग बना लेते, और ये तो बहुत मेहनती है। तो आप सब का होगा ना। तो गाइज पूरी सब्जी सब आ चुकी है, चेस चल रहा है देवर भाभी के, लम्बा शुरू कर लो यार गरीब आदमी, सुबह यार दादा गरीब आदमी, चेस कर लिया, पियो खाओ मस्त रहो। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, 11 बज गए रात के खाना बनाते बनाते, तो हमारा तो हमारा ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, हमारी फैमिली आई है, हमारी माँ के लड्डू आपको कैसे लगे तो आप कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फटाफट, हमारे 50,000 सब्सक्राइब करवा दो। तो ठीक है फ्रेंड्स।